कहेंगे नेक रहेंगे, कटेंगे तो कटेंगे। जो राम भक्त होगा वही राष्ट्र भक्त भी बन सकता है। झोली फैलाई और अल्लाह रसूल का वास्ता लेके वोट मांगे नहीं मांगे, झोली फैलाई और अल्लाह रसूल का वास्ता लेके वोट मांगे नहीं मांगे। इनसे उम्मीद ना रख, ये हैं सियासत वाले। इनसे उम्मीद ना रख, ये हैं सियासत वाले। ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। मसलहत कहिए उसे या सियासत कहिए, मसलहत कहिए उसे या सियासत कहिए, चील कौओं को भी शाहीन कहा है मैंने। आज की इस खबर में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की उन 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की कि जिसको लेकर सियासत गर्म है और नारेबाजी का सिलसिला जारी है। भाजपा के हिंदूवादी फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर राजनीति में भूचाल ला दिया और इस नारे की नेशनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक खूब चर्चा होने लगी। तो वहीं मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर भाजपा के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह ने इस नारे की धज्जियां उड़ा दी और भरे मंच पर जालीदार टोपी पहन और गले में सऊदी स्टाइल में रुमाल डालकर साथ ही झोली फैलाकर अल्लाह के नाम पर वोट मांग कर ना सिर्फ भाजपा को बटेंगे तो कटेंगे नारे की धज्जियां उड़ा दी बल्कि मुसलमानों के आगे नतमस्तक होकर हिंदू हृदय सम्राट की गरिमा को तार तार कर दिया। फिर वो निकले लोगों ने, फिर उन्होंने वही रागलापा, अरे भाई हो हाजी को वोट दोगे, इसने कहा तो कड़ाई करी और इन्होंने जो है ये करा और वो करा और अल्लाह ताला की शान में मुस्ताक जरूर है, तोड़ा ऐसा कभी मत करना। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर जारी है और हर प्रत्याशी अपनी अपनी विधानसभा सीटों पर वोटरों को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं चुनाव से पहले प्रचार को लेकर जनपद मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह आजकल खूब चर्चाओं में हैं। दरअसल भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह मुसलमानों के एक कार्यक्रम में पहुंचे और सिर पर जालीदार टोपी लगाई और गले में सऊदी स्टाइल में रुमाल भी डाला और बन गए भाईजान। और भाईजान वाली इन तस्वीरों के सामने आते ही विपक्षी भाजपा को बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर तंज कसने लगे। परंतु भाजपा प्रत्याशी ने भी हद कर दी। भाजपा की कट्टर हिंदू वाली राजनीति को दागदार करते हुए झोली फैलाकर मुसलमानों के आगे अल्लाह के नाम पर वोट मांगने लगे। अल्लाह रसूल का वास्ता है, झोली फैलाई और अल्लाह रसूल का वास्ता लेके वोट मांगने नहीं। बताते चलें कि अब भाजपा प्रत्याशी का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें देखा गया कि भाजपा प्रत्याशी को मंच पर मुस्लिमों के बीच सफेद रंग की जालीदार टोपी पहनाई गई और भाजपा प्रत्याशी ने भी खुशी जाहिर करते हुए टोपी को स्वीकार कर लिया। भाजपा प्रत्याशी का ऐसा करना अब चर्चा का विषय बन गया है और विपक्षियों को भाजपा पर तंज कसने का एक और मौका मिल गया है। हालांकि सेकुलर लोग इसे गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा मान रहे हैं तो वहीं कट्टर सोच वाले इसे नौटंकी बता रहे हैं। अल्लाह रसूल का वास्ता है, झोली फैलाई और अल्लाह रसूल का वास्ता लेके वोट मांगे नहीं। इन तस्वीरों के बाहर आने के पश्चात राजनीतिक गलियारों में मानो हड़कंप सा मच गया है और राजनीति में ये चर्चा है कि विपक्ष पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का निशाना साधने वाली भाजपा अब खुद भी उसी ट्रैक पर आ गई है। बताते चलें कि कुंदर की विधानसभा सीट पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के एक कार्यक्रम में प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह को टोपी पहनाई गई थी। इस कार्यक्रम में प्रत्याशी सैकड़ों मुस्लिम कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष वासिद अली भी मौजूद थे। इसी कार्यक्रम की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। बताते चलें कि कुंदर की सीट पर 60% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और ये सीट भाजपा के लिए काफी चुनौती भरी होने वाली है। आपको ये भी बता दें कि कुंदर की सीट पर भाजपा 31 सालों से ज्यादा होने के बावजूद चुनाव नहीं जीती है। आखिरी बार यहाँ भाजपा सन 1993 में जीती थी
तब से लेकर आज तक यहां भाजपा को हमेशा हार का मुंह देखना पड़ा, परंतु इस बार हो सकता है कि भाजपा के प्रत्याशी का ये रूप देख और मतदाताओं को अल्लाह का वास्ता देने वाला फार्मूला हो सकता है कि कामयाब हो जाए, क्योंकि इस सीट पर भाजपा, सपा, बसपा, AIMIM सहित कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं और मतदान के बाद 23 नवंबर को मतगणना होनी है, तभी ये पता चल पाएगा कि भाजपा का नारा बटेंगे तो कटेंगे फेल हुआ या पास। इस खबर को लेकर यदि आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि दुश्मने अमन सियासत का सहारा लेकर शहर में घूमते हैं आग लगाने वाले। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक, और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।